हेलो दोस्तों, आज आप सभी के लिए और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रेलवे के एंड से 8000 प्लस वैकेंसीज आउट हुई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों यहां पर एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके का एग्जाम होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या होगी, मतलब हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नीचे कमेंट करना आप किस स्टेट से हैं एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडिया रेलवे ने जारी किया है। यहां से आप एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो 5 of 24। सबसे पहले हम डेट्स की बात करें, 14/9 से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट 13/10/24 रहने वाला है। अगर आपको कोई करेक्शन करनी है फॉर्म में, वो आप 16/10 से लेके 25/10 तक कर सकते हो। अब हम पोस्ट्स देखते हैं, कौन कौन से पोस्ट्स आउट हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए 1736 पोस्ट्स आउट हुई हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3144, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 वैकेंसीज आउट हुई है। टोटल 8113 वैकेंसीज आउट हुई है। आप यहां से देख सकते हो, यहां से आप सैलरी पैकेज देख सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400 इनिशियल स्टेज में सैलरी मिलने वाली है। स्टेशन मास्टर को भी सेम। गुड्स ट्रेन मैनेजर के 29,200 सैलरी मिलने वाली है। इन पोस्ट्स को सेम सैलरी मिल रही है, आप यहां से देख सकते हो। एज लिमिट की बात करें, ये जितने भी वैकेंसीज हैं इनके लिए मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स तक होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रही है 18 से लेकर 36 इयर्स तक। यह था एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इन वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, इसके लिए इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें, जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 500 रुपीज पेमेंट करने हैं, एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 250 पेमेंट करने हैं, बट आपका एग्जाम फी रिफंड होगा। अब हम देखते हैं किस सर्कल या किस यूटी के लिए कितनी वैकेंसीज आउट हुई है। आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू श्रीनगर। अगर हम जम्मू श्रीनगर की बात करें, आप यहां से देख सकते हो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए 44 वैकेंसीज निकाली गई है। स्टेशन मास्टर के 10, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 60, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके लिए 1, सुपर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए 13। टोटल 145 वैकेंसीज निकाली गई है। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये कैटेगरी वाइज आउट हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें, यूआर के 18 वैकेंसीज निकाली गई है, एससी के 7, एसटी के 7, ओबीसी के 12, ईडब्ल्यूएस के 4, टोटल 44। ऐसे हम स्टेशन मास्टर का देखते हैं, यूआर के 3, एससी के 2, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 1, टोटल 10। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, यूआर के 25, एससी के 9, एसटी के 4, ओबीसी के 16, ईडब्ल्यूएस के 6, टोटल 60। ऐसे और भी स्टेटस यहां पे देखने को मिलते हैं, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना, आरआरबी रांची, बहुत सारी स्टेट यहाँ पे कवर्ड है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अप्लाई जरूर करना है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा।
तो डेफिनेटली आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।